सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही मस्त होंगे। सो गाइस, जिस वीडियो को अभी आप है सो प्रीव्यू में देख रहे हैं, जो कि गाइस फादर्स डे के ऊपर एक स्टेटस वीडियो है। अगर गाइस आप भी चाहते इस प्रकार से फादर्स डे के ऊपर स्टेटस वीडियो को एडिटिंग करके और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना, जो कि गाइस आपको पता है कि फादर्स डे आने वाला है, तो सिंपली गाइस इस प्रकार के फादर्स डे के ऊपर स्टेटस वीडियो को एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले गाइस आपको सो वीपीएन को कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे गाइस मैं वीपीएन को कनेक्ट कर दो और गाइस आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर देना होगा। आपको गाइस पता है कि आपको कैपकट एप्लीकेशन कहाँ से इंस्टॉल करना है, क्योंकि गाइस मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। एंड इस प्रकार से गाइस आपको यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ से गाइस आपको एक 6 सेकेंड को वीडियो को ऐड कर देना होगा। इस वाले 6 सेकेंड को गाइस आप जो वीडियो है इसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इस प्रकार से गाइस इसको ऐड कर लीजिएगा और यहां पे गाइस आपको ऐसो लास्ट में कैपकट के लोगों पे क्लिक करके और नीचे डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट कर देना होगा। देन गाइस आपके यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको इमेज को ऐड कर देना होगा। मैं इस इमेज को गाइस टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इस प्रकार से गाइस इमेज आ जाएगा, तो सिंपली आपको इमेज को गाइस थोड़ा करके कम कर देना होगा। तो इस प्रकार से गाइस आप ऑल्टो इमेज को थोड़ा थोड़ा करके कम कर लीजिएगा, जिस प्रकार से मैं इसमें कम कर रहा हूँ उसी प्रकार से। एंड इस प्रकार से गाइस आपको इमेज जब कम हो जाएगा तो सिंपली गाइस आपको इसमें सॉन्ग को ऐड करना होगा। तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट पे आकर के ऐड एड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ऑलो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड यहां से गाइस आपको सॉन्ग को इंपोर्ट कर देना होगा, जिस वीडियो को गाइस अभी आप रूम में देख लें उसको, और सॉन्ग को गाइस मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दो और गाइस आपको सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस प्रकार से हो जाने के बाद गाइस सिंपली आपको यहाँ से इमेज पर क्लिक करके एनिमेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ से गाइस आपको बहुत सारा एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली गाइस इसमें से जो एनिमेशन पसंद है तो उस एनिमेशन को गाइस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग गाइस इसमें एनिमेशन को ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे गाइस मैं एनिमेशन को ऐड कर ले रहा हूँ। आपको यहाँ पे गाइस बहुत सारा एनिमेशन देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपको गाइस इसमें से पसंद है तो उसको गाइस आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से गाइस एनिमेशन ऐड हो जाने का सही वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड जहाँ तक गाइस हमारा ऐसो इमेज रहेगा वहीं तक आपको ऐसे सॉन्ग को रखना पड़ेगा, जाने तक गाइस आप और भी ऐसे इसमें इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हो जाने के बाद फिर से गाइस आपको ऐसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट पे आ जाना होगा, जहां से गाइस हमारा इमेज स्टार्ट होता है। एंड इस प्रकार से आ जाने के बाद यहां से बैक करके और इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। एंड यहां पे गाइस आपको ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन में रह देना होगा और ऊपर को स्क्रॉल कर देने को यहां से गाइस आपको बटरफ्लाई वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यहां पे गाइस आपको बटरफ्लाई वाला ऑप्शन नहीं मिलते तो सिंपली गाइस आपको आगे को स्क्रॉल कर देना होगा। एंड यहां पे गाइस आपको बटरफ्लाई वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहां से गाइस आप इस पर क्लिक करके एंड इस प्रकार से गाइस आपको इसको ऐसे यहाँ पे ऐड कर देना होगा। एंड इस प्रकार से गाइस आपको फर्स्ट इमेज के अकॉर्डिंग इसको रख देना होगा। फिर से गाइस इसको यहाँ से आपको डुप्लीकेट कर देना होगा एंड इस प्रकार से आगे की ओर स्क्रॉल कर देना होगा। तो इसी प्रकार से गाइस आप डुप्लीकेट करके आगे की ओर स्क्रॉल कर लीजिएगा, जिस प्रकार से मैं इसमें कर रहा हूँ उसी प्रकार से। और इस प्रकार से हो जाने के बाद फिर से गाइस आपको जहाँ से इमेज स्टार्ट है वहाँ पे आ जाना होगा। एंड फिर से आपको वीडियो इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से गाइस आपको लाइटिंग इफेक्ट वाला ऑप्शन में आ जाना होगा। एंड यहाँ से गाइस आपको लेक टू वाला जो इसको यहाँ पे ऐड करके सही वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको गाइस इस प्रकार से स्क्रॉल करके और लास्ट तक रख देना होगा। यहाँ पे गाइस आपको इसको ऊपर को इस प्रकार से खींच करके कर देना होगा। एंड फिर से गाइस आपको इस प्रकार से स्क्रॉल करके लास्ट तक इसको रख देना होगा। और हो जाने के बाद गाइस आपको एक बार वीडियो को प्ले करके देखना है कि वीडियो किस प्रकार से बन चुका है। एंड फुल वीडियो को देखने के बाद गाइस आपको वीडियो को सेव करना पड़ेगा, तो सिंपली गाइस वीडियो को सेव करने के लिए आपको गाइस ऊपर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। एंड यहाँ से गाइस आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा, तो गाइस आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद है तो गाइस आप एक लाइक करके हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में।